हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टार वुडवर्क। आज ये जानेंगे कि हॉल में का जो शोकेस रहता है वो किस तरीके से बनाते हैं और उसे किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसे ही फर्नीचर से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टार वुडवर्क। आज ये जानेंगे के 4x5 का शोकेस किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे वॉल में ये खाना छोड़ा हुआ था जो हमने प्लाई में इसे यहाँ पे बना के फिटिंग किया हुआ है। इस वॉल के अंदर इसकी जो डीप है वो 8 इंच गई है और इसकी टोटल डीप 11 इंच है। अगर इसके हाइट के बारे में बात करें तो ये 5 फीट है और इसकी चौड़ाई 4 फीट है। इसमें यहाँ पर ऊपर में हमने 3 फीट का स्लाइडिंग ग्लास लगाया है जो कि अंदर ऊपर में हाफ वाइट सरमेकर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे नीचे में 3 डोर बनाए हैं। ये पूरा ग्लास बेयरिंग के ऊपर चलता है जो कि ई चैनल हमने ग्लास के लिए बिठाया है। और यहाँ पे 3 नीचे में डोर है जो कि हाइड्रोलिक इंजिश यहाँ पे लगाया है। ये एक हॉल में जो अलमारी रहता है उसे शोकेस के टाइप में यहाँ पे इसे बनाया है। ये शोकेस आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। फर्नीचर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो ये शोकेस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे बनाने का खर्चा मैं आपको कॉल करने पर बता दूंगा।